हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइस, आज पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली में और ये है होटल का रूम। और अभी बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलने वाले हैं दिल्ली घूमने के लिए, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। तो कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइस, रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है इतना ज़्यादा, पर यहाँ पर स्पेसियस था रूम, दो डबल बेड और एक सिंगल बेड। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं निकल के चल के, और फिर आप लोगों को भी आज दिल्ली घूमने के लिए मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस, सबसे पहले हम पहुंच गए यहाँ, ब्रेकफास्ट हमें होटल में कॉम्प्लीमेंट्री था रूम के साथ, तो आलू के परांठे थे और पूरे सब चीज़ें, पोहा भी था, पास्ता भी था, सब कुछ बहुत ही यमी था, मैंने खाया और बहुत अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे दलिया भी था, हमारी साइड ब्रेकफास्ट में दलिया भी मिलता है गाइस। सो ये जो इंडिया का टेस्ट है ना, वो कुछ अलग ही होता है। और सच में हम लोग NRI जब भी इंडिया में लैंड करते हैं, सबसे पहले ये होता है कि यहाँ का खाना टेस्ट करना है। जो स्वाद इंडिया में आपको मिलता है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता यार खाने का। सो हम लोगों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो था वो इंजॉय किया। और ये था मेरा होटल का रिसेप्शन। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ी करेंसी चेंज करवानी थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कैश बिल्कुल भी नहीं था। हमने थोड़ी वेट की और उसके बाद अभी हमने शुरू कर दिया अपना ट्रिप, वो भी एक ऑटो में। मैंने सोचा चलिए आज एडवेंचरस ट्रिप अपना स्टार्ट करते हैं ऑटो से। और दिल्ली सच में ही बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है, और यहाँ पे जो शोर शराबा, यही इसकी मेन अट्रैक्शन है। हूटिंग, जो आवाज़ें आती है ना, हम लोग नैरोबी में रहते हैं, मींस केन्या में रहते हैं, तो वहाँ पे नैरोबी में भी आप चले जाएं सिटीज़ में, इतनी ज़्यादा शांति रहती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ही एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर रहता है। यही दिल्ली की खासियत है कि यहाँ पे बहुत ही चहल पहल रहती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिल्ली। सो गाइज, हम लोग निकल पड़े ऑटो में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में। सो गाइस, दिल्ली आए हैं तो शॉपिंग करनी तो बनती है। हम लोग पहुंच गए पालिका बाजार, वो रास्ते में ही पड़ता था तो इसलिए हमने पालिका बाजार का एक थोड़ा सा चक्कर लगाया। अभी मॉर्निंग ही थी तो इतनी सारी शॉप्स जो हैं वो खुली भी नहीं हुई थी। और देखिए यहाँ पे पुस्सी कैट भी दिख रही है। सो गाइस, दिल्ली में शॉपिंग सच में इतनी ढेर सारी मिल जाती है आपको, वेराइटी। और अभी हम लोग पहुँच चुके थे शोरूम में, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है जेंट्स वेयर थे, तो हस्बैंड ने ट्राई किया यहाँ पे पैंट्स, और बहुत ही मतलब अच्छी ब्रांडेड पैंट्स जो है यहाँ पे, जीन्स सब कुछ मिल जाता है यार। दिल्ली में जो शॉपिंग करने का मज़ा है ना, वो कहीं पे नहीं। इतना चीप भी और इतना ज़्यादा वैरायटी भी आपको मिल जाती है। हम लोग केन्या में रहते हैं, केन्या में बहुत सारे शॉपिंग सेंटर है, बट जो आपको मज़ा पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ गाइज, जो इंडिया में खाने का और शॉपिंग का मज़ा है ना, वो कहीं पर नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ का जो शॉपिंग है उसका कुछ अलग ही नज़ारा रहता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा पहले हस्बैंड ने बाय किए शर्ट पैंट्स, और उसके बाद हम लोगों का प्लान था कहीं बाहर निकलने का। और गाइस, हमें यहीं पे पता लगा कि हम लोग नोएडा जा सकते हैं बाय मेट्रो। तो हमें यहाँ पे असिस्टेंट जो भी था उसने बताया कि आप नोएडा चले जाइए, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगी। पर हमने फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर किया। सो गाइज, अभी हम लोगों ने की थोड़ी शॉपिंग और उसके बाद हम लोग निकल चले पूरा मेट्रो की तरफ। और मेट्रो सच में ही बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है हमेशा मेट्रो में। अगर आप दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो सबसे इजी जो है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें आप बहुत इजीली, बहुत ही ट्रैफिक को काटते हुए आप पूरे दिल्ली को घूम सकते हैं। और अभी आप देखें तो दिल्ली सच में कितना मॉडर्न हो गया है। अभी मेट्रो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब
इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है गाइस, यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब बढ़िया मिल जाता है यार। यहाँ पे फटाफट से हमने यहाँ पे ली टिकटें और अभी हम लोग निकलने वाले थे नोएडा के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत नीट एंड क्लीन जो है मेट्रो का स्टेशन था, और बहुत ही काफ़ी रश था। यहाँ पे जो भीड़ है उसको देखने का अलग ही आनंद रहता है। हम लोग केन्या में बहुत ही कम लोगों को देख पाते हैं। जब आप फार्म पे रहते हो, फ्लावर फार्म्स वगैरह पे, तब तो आपको बिल्कुल इंसान देखने के लिए मिलते नहीं है यार इंडियंस तो। और यहाँ पे इतना सारा शोर शराबा, इतनी हलचल देख के रियली मज़ा ही आ जाता है। और हम लोग अभी बढ़ गए गाइस मेट्रो पकड़ने के लिए। अभी हम लोग मतलब रोज़ तो पकड़ते नहीं है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है किस साइड पे जाना है। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ मेट्रो पे, और यहाँ पे मेट्रो आ ही रही थी। सो गाइज, जैसे ही हम सब NRIs, मुझे पता है सब NRIs मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, जब भी हम लोग अपनी कंट्री में होमलैंड में पहुंचते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और ये ऑटो में टुक टुक में बैठने का जो मज़ा है वो सच में अलग ही रहता है। और यहाँ की जो हवा है, और जहाँ यहाँ का जो संगीत है, ऑटो का हॉर्न का, लोगों की आवाज़ें, वो हम हमेशा ही मिस करते हैं। सो गाइज, आपको अगले ब्लॉग्स में भी पूरा इंडिया का ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए। तो नोएडा की सैर भी आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। सो कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।